मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसु मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थेलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थालापति का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फूल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसु फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थेलाफती और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है, है। इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय और मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसुम फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही ये भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म है वारिसु है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं कि यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसुम फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में हैं। थमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसुम फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिस मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसु फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे कि मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसु है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैद पल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसुम फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैद पल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिस मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थालापति का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसु है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म है। वारिसु है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थेलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसु है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसु मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसुम फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलाफती और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे कि मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसु फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थैलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय और मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे कि मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसु है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसु मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसुम फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्योंकि वारसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसुम फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी घरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिस विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसु फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है।, धमन एस ने फिल्म की संगीत रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थेलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिसु फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज़ द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थलापति और मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं वारिस यानी वारिसू विजय थलाफती के जितने भी फैंस हैं उन सभी के लिए यह मूवी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वारिसी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि विजय थलाफती का सबसे कमाल धमाल में से एक फिल्म वारिसू है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वारिसू मूवी के बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं यह मूवी कैसी है यह मूवी को कितने स्टार मिलने चाहिए इस मूवी में कौन कौन से अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा वारिस फिल्म एक भारतीय तमिल भाषा की फिल्म है जिसका हिंदी डब वर्जन का नाम है वारिस इस फिल्म को निर्देशित किया गया है वामसी पैदपल्लवी ने उन्होंने इस फिल्म की कहानी हरिओम और आशीष सोलेमान के साथ मिलकर लिखा है श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और वीपी सिनेमा के तहत दिल राजू सीरीज द्वारा निर्मित फिल्म में विजय और रश्मिका मंदाना के मुख्य भूमिका में है धमन एस ने फिल्म की संगीत की रचना की है इसमें अगर हम लीड रोल की बात करें तो विजय थालापति और रश्मिका मंदाना एक साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे इस फिल्म को 12 जनवरी 2023 को सभी सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी वही भारत का तमिल भाषा की फिल्म है इसकी लागत 200 करोड़ रुपए की है तो फिल्म काफ़ी हिट साबित हो रही है और काफ़ी अच्छी खासी देखी जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो